द स्टडी बाय मणिकांत सिंह संस्थान में आपका स्वागत है। हमारी संस्था विराट भवन मुखर्जी नगर में स्थित है, जो मुखर्जी नगर के सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर कमर्शियल बिल्डिंग है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपनी बिल्डिंग में प्रस्तुत सेफ्टी मेजर्स से अवगत कराना चाहते हैं और साथ ही यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह बिल्डिंग सुरक्षा के संदर्भ में MCD और गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार परिपूर्ण है। हमारी संस्था द्वारा क्लासरूम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाए गए हैं और सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण भी यथास्थान लगाए गए हैं। सबके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सभी के पास कंपल्सरी। अब देखो, यहाँ तक मेरी बिल्डिंग का सवाल है तो ये मुखर्जी नगर का पहला बिल्डिंग है जिसको फायर NOC दे दिया। आकर यहाँ सारा कुछ इंस्पेक्ट करके फायर NOC इस बिल्डिंग को दे दिया। इट वॉज द फर्स्ट वन बिल्डिंग फ्रॉम कैंप टू मुखर्जी नगर विच इज हैविंग अ फायर NOC। और दो तरह का प्रिकॉशन हमने लिया हुआ है, एक तो हमारे यहाँ खुद का है, दूसरा है हमारे बिल्डिंग का में फायर का काम हुआ है सारा पॉइंट। एक तो जो सायरन बजने लगता है, अगर धूल भी उठती है तो सायरन बजने लगता है। दूसरी बात, हमारे पास एक बैक सीढ़ी है कि अगर इस तरफ डिस्टरप्ट होगा तो इस तरफ से निकाल देंगे, इस तरफ डिस्टरप्ट होगा तो इस तरफ से निकाल देंगे। हमारा पास डबल एग्जिट है, हमारा स्टेयर्स देख रहे हो, ऐसा स्टेयर्स कहीं है इतनी चौड़ी। ये तो मुखर्जी नगर की VIP बिल्डिंग है। चलिए अब हमारी बिल्डिंग के मुख्य द्वार से यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये विराट भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो काफी चौड़ा है। इस द्वार से अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर्याप्त स्पेस उपलब्ध है, जहाँ आपकी मदद के लिए हमेशा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इस गलियारे से आगे बढ़ते ही विराट भवन की लिफ्ट है, जिसमें एक समय में 4 व्यक्ति जा सकते हैं और लिफ्ट के अंदर आपके साथ एक लिफ्टमैन हमेशा रहता है। ये कंट्रोल रूम है जो विराट भवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में फायरमैन हमेशा ड्यूटी पर रहता है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर। यस सर, ये सर विराट भवन का फायर कंट्रोल रूम है। यहीं से पूरे बिल्डिंग का फायर का जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम, ये फायर अलार्म, फाइनल PA सिस्टम, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट सब लगे हुए हैं। जैसे CO2 हुआ, ABC हुआ, वाटर ट्यूब, वाटर CO2 हुआ, डिटेक्टर हुआ, हूटर हुआ, MCB हुआ, सारे सिस्टम लगे हुए हैं। यहीं से हमारा पूरे बिल्डिंग कंट्रोल होता है, इसको हम कहते हैं फायर अलार्म पाइनल। ये फायर हाइड्रेंट का क्या? ये फायर हाइड्रेंट भी लगा हुआ है सर, हमारे हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है, हाइड्रेंट लगा हुआ है, सारे सिस्टम लगे हुए हैं फायर के। जी जी, थैंक यू। अब आगे चलते हुए हम इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर द स्टडी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार बनी हुई हैं कि क्लास ओवर होने के बाद भी भीड़ होने की संभावना नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक तल की सीढ़ियों पर सुरक्षा उपकरण जैसे फायर अलार्म, फायर सिलेंडर, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम आदि की व्यवस्था की गई है, जैसा कि फायरमैन के द्वारा बताया भी गया है। सभी फ्लोर पर CCTV कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं, साथ ही सभी सुरक्षा उपकरण यथोचित स्थान पर लगे हुए हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी यहाँ लगा हुआ है। सेकंड फ्लोर पर हमारे संस्थान द स्टडी बाय मणिकांत सिंह के ऑफिस की तरफ चलते हैं। यहाँ दरवाजे के समीप CCTV कैमरे, फायर अलार्म, फायर सिलेंडर तथा फायर हाइड्रेंट और होज पाइप लगा हुआ है। गलियारों में आपको एक भी तार अव्यवस्थित तरीके से नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी वायर और प्रत्येक मीटर यूनिट को मीटर रूम में व्यवस्थित किया गया है, जिससे गलियारे से आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। क्लास की तरफ जाने वाले पैसेज में सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार प्रत्येक मंजिल और प्रत्येक कार्यालय के साथ साथ कमरों, गलियारों और सामान्य क्षेत्रों में स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक मॉड्यूलर किचन की व्यवस्था है, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। आप हमारे क्लासरूम को देख सकते हैं,
शीशे की विंडो के साथ नेचुरल लाइट भी आ रही है और क्लासरूम में पर्याप्त जगह है। और आपको बता दें कि हम उतने ही छात्रों का एडमिशन लेते हैं जितने हमारे पास सीटें उपलब्ध होती हैं, और इसीलिए हमारे क्लासरूम में सभी छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ क्लासरूम के अंदर 3 बिग साइज विंडो है जिसमें ऐसे रोप लैडर लगे हुए हैं, जहां से रोप लैडर को आसानी से इमरजेंसी सिचुएशन में नीचे लटकाया जा सकता है, जिसके सहारे सीधे विराट भवन के बाहर सेफली और इजीली निकला जा सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। साथ ही इन विंडोज को धुएं के निकासी के लिए खोलने योग्य बनाया गया है। क्लास से अंदर किसी भी प्रकार के ज्वलनशील चीजें नहीं हैं। आप जगह जगह देख रहे होंगे कि क्लासरूम के अंदर भी आग बुझाने के सभी जरूरी उपकरण लगाए गए हैं, जैसे कि फायर सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल, स्मोक डिटेक्टर एक्सेट्रा। क्लासरूम के अंदर और बाहर आने जाने के लिए कुल 3 गेट हैं और प्रत्येक गेट 4 फीट तक खुलते हैं। क्लासरूम से लगकर एक इमरजेंसी एग्जिट द्वार को आप देख सकते हैं जो विराट भवन से बाहर मुख्य रोड पर समाप्त होता है। क्लास के दौरान संस्थान के इलेक्ट्रिशियन क्लासरूम के बाहर तैनात रहते हैं। क्लास शुरू होने के पहले संस्था के इलेक्ट्रिशियन द्वारा नियमित रूप से सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों की जाँच की जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग के ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रीशियन भी कार्यरत रहते हैं। फायर इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए पानी की पर्याप्त व्यवस्था प्रारंभ से ही बिल्डिंग में रखी गई है, जिसके अंतर्गत छत पर रखे 10,000 लीटर क्षमता वाले 2 फायर टैंक के साथ एक अतिरिक्त 40,000 लीटर का रिजर्व वाटर टैंक अंडरग्राउंड बना हुआ है, जो प्रत्येक फ्लोर पर इन पाइपों के द्वारा फायर हाइड्रेंट के जरिए तुरंत पहुंच सकता है। उपकरणों और भवन कर्मचारियों की दक्षता की जांच के लिए नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा ड्रिल कंडक्ट कराया जाता है। मुख्य ऑफिस के अंदर जाते ही आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही MCD से प्राप्त कोचिंग लाइसेंस भी आप देख सकते हैं। यहां इंक्वायरी डेस्क है जहां स्टूडेंट्स की हर संभव सहायता की जाती है। इसी के पास में संस्थान के डायरेक्टर का ऑफिस है, जहां स्टूडेंट्स सर या मैडम से निःसंकोच इंटरैक्ट कर सकते हैं।
यहीं सभी सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल स्क्रीन लगा हुआ है, जिससे हमेशा नजर रखी जाती है। यहाँ स्टूडेंट हेल्प डेस्क है, जहाँ से स्टडी मटेरियल्स एटसेट्रा उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही यहाँ मेंटर्स के साथ परिचर्चा कर सकते हैं। इन दीवारों को देखकर द स्टडी की सफलता और प्रगतिशीलता का आकलन किया जा सकता है, जिसमें मणिकांत सर का विगत 30 वर्षों का अनुभव झलकता है। यहाँ पर संस्था द्वारा मॉक इंटरव्यू कराया जाता है, जिसमें अपीयरिंग स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड और एबल गाइडेंस मिलता है, और साथ ही इनकी मॉक इंटरव्यू का वीडियो शीघ्रता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह स्वयं का आकलन स्वयं भी कर सकें।